नमस्कार जी, आज हमारे साथ हैं मोहित धर्मेक जी। आज हम इनसे पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ग्राफ्टिंग के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट है धर्मेक जी। आज हम बात करेंगे टंग ग्राफ्टिंग की, तो किस कैसे की जाती है और इसकी किस तरह से आपको ये करनी होती है। तो मोहित जी आप आना है। नमस्कार जी, मैं मोहित धर्मेक। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना टंग ग्राफ्टिंग करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा अलग है और लोगों से, कि जिस तरह से लोग और टंग ग्राफ्टिंग करते हैं, मेरा वो थोड़ा सा कंसेप्ट उनसे अलग है। जैसे हम ये जगह बना रहे हैं ग्राफ्टिंग के लिए जी, मतलब कि इसमें भी हमारा कंसेप्ट वही प्रोनिंग की तरह से, मतलब कि कम है कि जख्म कम करना है। ओके, जख्म कम रहेगा तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी। ओके, तो इस पे भी हमारा वही कंसेप्ट रहेगा। तो ये देखिए कि डिफरेंट कैसे होगा औरों से जी। जो दूसरी जो लोग करते हैं टंग ग्राफ्टिंग, वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो यूं चाकू रख के दोनों तरफ से जख्म कर देते हैं। हाँ, इसमें क्रैक डालते हैं। इसमें पूरा क्रैक डालते हैं जी, मतलब कि हम एक ब्रांच करके देखते हैं वैसा जी, कि जिसमें वो क्रैक आ जाए, ताकि डिफरेंस पता लगे लोगों को कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। जो नॉर्मल जो लोग टंग ग्राफ्टिंग करते हैं, वो इस तरह से चाकू रख के दोनों तरफ से इस तरह से फाड़ते हैं। ओके, ये तरीका गलत है। ये मतलब कि मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि इसमें हम दोनों तरफ को इस तरफ भी जख्म दे रहे हैं, लंबा कर ज्यादा इंजरी कर रहे हैं, ज्यादा इंजरी कर रहे हैं। तो एक्चुअली होगा क्या, जब बाद में उसने हील अप करना है तो उसको, तो पहले तो इसको वुड को हील अप करने के लिए अपने न्यूट्रिशन की जरूरत है, ज्यादा टाइम लेगा वो हील अप करने। उसके बाद हमारी जो कलम हमने की है, जो ग्राफ्ट किया है, उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करेगा। okay. क्योंकि उसमें भी हमने वुड लगाया है। okay. तीन चार आंखें जो लगाई है वो वुड है, वो तब एनर्जी लेगा जब इसका वो ये जख्म हील अप करेगा पहले। okay. तो हमारा ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए, मैं ऐसे इस तरह से कट नहीं करता हूँ, ये दूसरा कंसेप्ट है जी। हाँ जी, ये थोड़ा सा अलग है, आप प्लीज फोकस कीजिए। हम इस तरह से कट करते हैं, ये देखिए मैं इतना डीप चला गया हूँ, पर मेरा जो कट है वो एक ही तरफ है। अच्छा, ये पोजीशन नाइफ की। हाँ जी, इसमें कट एक साइड को लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरी तरफ इसमें कोई कट, ये रिकवर्ड है ऑलमोस्ट। और जो दूसरी कन्वेंशनल है हमारी, उसमें कट दोनों तरफ को, दोनों साइड को कट, हाँ, कट रहता है। ये डिफरेंट, तो है। ये डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें पहले ही फायदा ये हो गया कि हमारे पास जख्म एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। इस तरफ से हमारा पहले ही हील अप हुआ है। ओके, तो हम जब इसमें कलम, इस वाली हमारी ग्राफ्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें कलम फंसाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि ये हार्ड रहता है, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल ओपन है। हम आपको, आप इसको जितना ओपन करेंगे एकदम से इसमें आपका इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, इंसर्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी वो फंसानी थोड़ी मुश्किल है, वो थोड़ी केयरफुली आपको इसमें इंसर्ट करनी होगी। तो पर वो उसका आपको रिजल्ट आगे उसकी ग्रोथ में, हीलिंग में बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इसमें फास्ट रिकवरी है, बहुत जल्दी रिकवरी होगी। ओके, अब इसमें देखिए, फिर जब हम इसमें लगाएंगे ग्राफ्ट जी, ये देखिए, बस इसमें हमें एक ही साइड मिलानी है। ओके, ये देखिए, अभी ये वाला जो इस साइड का जो हमारा जख्म था जी, वो हमने ऑलरेडी जो इंसर्ट की है ग्राफ्ट, इससे बैठ गया है, इसे पूरा कर रहा है और ये जल्दी हील अप करेगा। okay. इस तरफ हमारा कोई जख्म है नहीं है दूसरी तरफ, तो इतना सा पोर्शन है हमारे पास, तो ये एकदम से हील अप कर जाएगा और उसका, उसके बाद में जितना भी हमारा सेफ फ्लो आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, वो सब इसकी ग्रोथ में जाएगा। इसमें ये भी लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, जो हमारा साइन वुड है जी, हाँ जी, ये कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें कितनी आइज होनी चाहिए वैसे? ऑलमोस्ट हम तो 3 से 4 आंख लेते हैं जी, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने से भी उसके हिलने का डर रहता है, और क्योंकि वुड भी ज्यादा रहता है, 4 आंख लेंगे तो हमारे पास 4 आंखों में वुड भी ज्यादा है, तो ग्रोथ कम। हाँ, तो एनर्जी उसको पहले वुड को लगेगी लेने में, तो उसकी ग्रोथ कम आएगी। अच्छा, बेस्ट आप कह रहे हैं कि 3 आंखों वाला होना चाहिए, 2 आंखें आपकी ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, और 1 आंख आपकी रैप हो जाएगी। इसका फायदा होता है 1 आंख रैप करने का? बिल्कुल, वो होता है कई बार, किसी मतलब लेबर कोई काम कर रही है, कोई चिड़िया है, पक्षी है कोई, कई बार वो टूट जाता है, ऊपर का टूट जाता है जो हमने रैप किया है, उसके अंदर अगर कोई एक आंख हो तो वो बाद में ऊपर से टूटने के बाद भी ये प्रोटेक्टेड रहती है। हाँ, ये प्रोटेक्टेड रहती है, उसके बाद जब आप रैप खोलोगे जी, तो उसके बाद से आपको वहां से एक आंख वो अपना पूरा ग्रो करके, वो आपको मतलब वेस्ट नहीं होगा वुड।